हेलो दोस्तों, हम आज राजस्थान जा रहे हैं श्री बालाजी सरकार के चरणों में शीश नवाने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। आज हम आप सब लोगों को बालाजी सरकार के विषय में बताएंगे और उनके जो अनुयायी हैं अर्थात जो भक्तगण हैं उनको भी दिखाएंगे। अनेकों संख्या में वहाँ पर भीड़ होती है श्री बालाजी महाराज के दर्शनों को प्राप्त करने के लिए। चलिए आइए चलते हैं। श्री बालाजी महाराज की जय 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 श्री बाला। ये हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं जो अत्यंत ही विकराल स्वरूप है इनका। बहुत ही बड़े आकृति की मूर्ति है यहाँ बालाजी धाम में, जो पहाड़ों को बीचे बीच बनी हुई है। और यहाँ पर पूतना की गुफा भी है, माता पूतना की। और इन माता पूतना की गुफा में अनेकों आकृतियाँ प्रभु की मूर्ति भी है। ये पहाड़ है, हनुमान जी ने जब समुद्र को राम भगवान सेवा में लाने का या समुद्र में पुल को बनाने का कार्य किया था, उसी का कुछ छवि है। इसमें पूतना भी है दिखाया गया। आइए बालाजी के दर्शनों को देखते हैं, जो अनेक श्रद्धालु भक्तगण यहाँ पर हैं। श्री बालाजी महाराज की आरती में इस शाम के समय का आरती का दृश्य है। भारी संख्या में, भारी तादाद में श्री बालाजी महाराज का दर्शन करने के लिए और उसके साथ आरती में मौजूद रहने के लिए अनेक अनेक भक्त यहाँ पर विराजमान हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं श्री बालाजी महाराज की आरती के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अनेक भक्तों का कष्ट भी निवारण होता है, अर्थात बालाजी महाराज कष्ट निवारण करते हैं, उनके कष्टों को हरते हैं, उनके दुखों को हरते हैं। यह बहुत ही दैवीय शक्ति है श्री बालाजी प्रभु में। और यह कहा जाता है, बताया जाता है कि बालाजी महाराज बाल स्वरूप अर्थात हनुमान जी महाराज का बाल स्वरूप यहाँ पर विद्यमान है मूर्तियों में। बोलिए बालाजी महाराज की जय, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ पर जयकारा भी लगाया जा रहा है और आरती होने के उपरांत बालाजी महाराज के जो पंचामृत होता है, अर्थात कहा जा सकता है कि जो अमृत होता है उस अमृत को पाने के लिए, उनकी एक बूंद पाने के लिए यहाँ पर लाखों भक्त लोग इंतजार करते रहते हैं। ये उनकी श्रद्धा है मेरे प्रभु पर, श्री बालाजी महाराज पर। बोलिए बालाजी महाराज की जय। ये आरती का समय है भी बहुत, मैं यहाँ पर हूँ उपस्थित, मैं भी आया हूँ दर्शन करने के लिए प्रभु बालाजी का। मुझे अत्यंत सुखद अनुभूत हो रही है, आप सोच नहीं सकते कितना अच्छा लगता है बालाजी महाराज में। ये बालाजी महाराज का दृश्य है, चित्र है जो आपको हम दिखा रहे हैं, ऐसे ही बालाजी महाराज हैं। और यहाँ पर जो ऊपरी गाधा होती है उनका भी निवारण होता है, अर्थात उनका भी कष्ट श्री बालाजी को हम हर लेते हैं। जो सच्चे मन और सच्चे भाव श्रद्धा भाव से यहाँ पर आते हैं, अपने कष्टों की ऐसी करते हैं, श्री बालाजी महाराज के चरणों में पैसे लगाते हैं, उनके कष्टों का निवारण होता है। अगर आपके मन में विश्वास है, भाव है, श्रद्धा है प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति, श्री बालाजी महाराज के प्रति, तो आपकी इच्छाओं को, आपके श्रद्धा भावों को, आपके जो विश्वास है वो टूटेगा नहीं। महाराज आप देख सकते हैं ये जो पब्लिक आए हैं, ये भक्तगण आए हैं, सब लोग
अपनी इच्छाओं को लेकर कोई दर्शन करने आया, किसी कुछ प्रॉब्लम में किसी को घर सबकी प्रॉब्लम। श्री बालाजी महाराज यहाँ पर आने के बाद उनको सुखानुभूति होती है, उनके कष्टों का निवारण भी होता है। जैसा कि बताया जाता है और ईश्वर करेंगे सभी कष्ट सभी भक्तों के कष्टों का निवारण हो, हम यही ईश्वर श्री बालाजी महाराज से कामना करते हैं। हे बालाजी आप सभी भक्तों के कष्टों का निवारण करिए, जिससे सभी भक्त स्वस्थ और सुखद अनुभूति प्राप्त करें और आपके चरणों में जिस तरह आपके भक्तों ने आप पर विश्वास किया है, उस विश्वास को आप और अच्छे से जो है कृपा होगी। हे लाला जी आप सब पर कृपा बनाए रखिए, सबको सुखित अनुभूत करिए, अनुभूत कराइए और सब पर कृपा बनाकर उनके कष्टों का निवारण करिए। हे लाला जी महाराज बोलिए, लाला जी महाराज की जय। पहली बार आए लेकिन मुझे बहुत अच्छा है। ये हमारे बालाजी महाराज हैं, देख सकते हैं मुझे यहाँ पर अंदर की फोटो खींचने वाला है। ये जो मैं लाइव प्रसारण दिखा रहा हूँ आपको, बहुत भारी मात्रा में भारी तादाद में भक्तों का भीड़ है यहाँ पर, बाहर भक्तों का भीड़ लगता है। और ये भगवान जी की जय श्री राम, जय श्री राम माता जी हैं, आप देख सकते हैं प्रभु की मूरत दिख रही है। और ये जय हो जय हो जय हो, बहुत ही मतलब आप आएंगे यहाँ पर आपके कष्टों का निवारण हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम बस आपके मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए। ये नहीं कि आप आ रहे हैं घूमने आ रहे हैं, टूरिस्ट प्लेस है ये है वो, भाई जिस दिन आप ईश्वर के प्रति अपने को समर्पण कर देंगे, अपने को समर्पित कर देंगे, उस दिन आपका कोई भाई भी बाकर नहीं कर सकता है। इसीलिए आप अपने मन में श्रद्धा भाव प्रेम कुछ लेकर आइए श्री बालाजी के चरणों में। अगर आप अपने श्रद्धा भाव से आते हैं तो आपके कष्टों का निवारण जरूर होगा। ऐसे हैं हमारे बालाजी श्री हनुमान जी, संकट मोचन हनुमान। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अपने दुखों कष्टों की पेशी करने के लिए यहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, और यदि कुछ गलती हो गई हो हमारे वचनों में, हमारे मुखारविंद से जो बोला जा रहा है, तो आप प्लीज़ माफ़ करिएगा और अपना बच्चा समझ कर उन गलतियों को सुधारने के लिए कमेंट भी करिएगा। इसी बात पर बोलिए बालाजी सरकार की जय। बहुत सारे भक्तगण हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जो नहीं जा पाई हैं या गई हैं या बालाजी सरकार के चरणों में उपस्थित नहीं हो पाई हैं, उनके लिए यह वीडियो है। कि क्या होता है बालाजी सरकार में, इन सारी जानकारियों को हम इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। कि बालाजी सरकार में सारे व्यक्ति, कोई अपने कष्टों को लेकर आया है, कोई बालाजी सरकार के यूं ही दर्शन करने के लिए आया है, उनके चरणों में नतमस्तक होने के लिए आया है,
ये पंचमुखी हनुमान मंदिर है, जिस रास्ते से हम सब लोग जा रहे हैं। आप देखते रहिए, यहाँ पर बहुत सारी मंदिरें हैं श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद से। और सभी यहाँ पर पंडित जो हैं, ब्राह्मण देवता, हे महाराज, ये सब इतने अच्छे हैं कि आपको तनिक भी भान नहीं होगा प्रॉब्लम की, दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, आप जाएंगे, दर्शन करेंगे अच्छे से, और अपने गंतव्य को वापस भी चले आएंगे। कहीं भी आपको भेदभाव का नजरिया नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा है यहाँ। और ये ऊंची पहाड़ी पर पंचमुखी धाम मंदिर है। आपको रास्ते में अनेकानेक व्यवस्थाएं मिलेगी, अनेकानेक सुविधाएं दिखाई देगी। यदि आप उन सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो नहीं लेना, लेकिन नहीं बोलिए लेना कोई पंचमुखी दिक्कत नहीं है, भगवान कोई की जय। दबाव नहीं होता है। ये ये पंचमुखी पहाड़ियों मंदिर पर है, चढ़ाई का ये ऊपर जो है पंचमुखी जो मंदिर के आपको दिखाया जा रहा बंद है, है। ये पंचमुखी मंदिर है। जय बोलिए पंचमुखी, पंचमुखी बालाजी महाराज की जय। ये हमारे पंचमुखी हनुमान जी हैं, हमारे प्रभु। महाराज जी चंदन लगा दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री पुत्र राधे, हनुमान चरण स्पर्श महाराज जी को जय हनुमान जी, जय जय श्री। सभी के कष्टों का जय जय श्री राधे। ऐसे ही वीडियो बनेगी, आगे बहुत ही बेहतरीन आपको दृश्य दिखेगा, जो दृश्य अत्यंत सुखद की अनुभूति कराएगा आपको। ये आप देख सकते हैं, हमारे महाराज जी हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के। ये हमारे प्रभु श्री भोले बाबा जी हैं, महाकाल, कालों के काल महाकाल बाबा भोलेनाथ। ये हम पहाड़ों के ऊपर से आपको घरों के दृश्य दिखा रहे हैं। बोलिए बालाजी सरकार की जय। जय चढ़ाई बहुत ही ऊंची है, लेकिन यदि आपने ठान ली है कि हम पर्वतों को चीरते हुए अर्थात पर्वतों पर चलते हुए हम श्री बालाजी महाराज के पंचमुखी मंदिर में जाकर पंचमुखी प्रभु का दर्शन करेंगे श्री बालाजी महाराज का, तो आपके लिए यह कार्य कठिन नहीं रहेगा। आपके लिए यह कार्य, यह चढ़ाई कुछ भी नहीं है, क्षण मात्र के लिए है। आप आराम से अपनी चढ़ाई को पूर्ण कर सकते हैं। जय जय श्री राधे, श्री बालाजी महाराज की जय। मेले को वाले बालाजी सरकार की जय। वो राजस्थान में है, ये माता जी हैं। यहाँ पर अनेकानेक मन्नतें मानी जाती हैं, अनेकानेक मन्नतों को पूर्ण होता देखा भी गया है, होता भी है। भक्तगण ऐसा बताते हैं, श्रद्धालु ऐसा बताते हैं, यहाँ पर इच्छाएं पूर्ण होती हैं और होती भी है। हम भी मानते हैं, हमारी भी श्रद्धा है, भाव है प्रभु ईश्वर के प्रति, और एक नहीं बहुत हद से ज़्यादा है। क्योंकि जिस दिन आप श्रद्धा भाव भक्ति बना लेंगे प्रभु के प्रति, उस दिन आपको किसी और चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, किसी की और की ज़रूरत नहीं होगी। ये राधा रानी सरकार वाली प्रभु की, प्रभु की जरूरत हरदम रखिए आप अपने भक्तों को, आप अपने मन में, आप अपने अंतरात्मा में। यदि आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। बोलिए श्री राधे सरकार की जय, श्रीमन्नारायण जय जय श्री राधे। बोलिए बालाजी सरकार की जय। बोलिए मेहंदीपुर बालाजी सरकार की जय। यदि कोई भूल चूक हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। राधे राधे।